स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग लास्ट एक्सरसाइज नंबर 5.3। हमने 1, 2, 2, 1, 2 और 3 ये तीनों देख लिए थे। अब 4, 5 और 6 की बात करते हैं। तो फोर्थ में क्या पूछा है, देखो नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन द 10 सेपरेट स्लिप्स। तो 10 अलग अलग स्लिप में 1 to 10 लिखा हुआ है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन और टेन ऐसे नंबर लिखा हुआ है, कैप्ट इन द बॉक्स एंड मिक्स एज वेल। ओके, वन स्लिप इज चूजन, अभी 10 अलग अलग स्लिप लिए उसको मिक्स करके एक बॉक्स में डाला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, चार अलग अलग क्वेश्चन आपको दिए हुए, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो ओरिजिनल हमारे टोटल ऑब्जर्वेशन थे वो लिखेंगे हम। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए हमारे, टोटल एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन कितने हुए, टोटल 10। कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या हो गया टोटल ऑब्जर्वेशन नंबर, ये क्या हो गया टोटल हमारे ऑब्जर्वेशन कितने रहेंगे, ये हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ रहा है कि गेटिंग अ नंबर 6, 10 हमने अलग अलग मिक्स किया हुआ है, 10 अलग अलग हमने मिक्स किया हुआ है, उसमें से हमको प्रोबेबिलिटी लानी है किसकी, कि 6 नंबर कोई, ये नंबर को आप फाइंड आउट करो या तो ये नंबर को रैंडम चूज करो, उसकी हमको प्रोबेबिलिटी लानी है। तो गेटिंग अ नंबर ऑफ 6, तो हम मैंने क्या बोला था, जो पोजीशन हमको लानी है वो ऊपर लिखनी है, मींस उसके जो ऑब्जर्वेशन जो आएंगे वो हम ऊपर लिखेंगे, और जो टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो हम कहां पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। पोजीशन मीन्स हमको जो पूछा हुआ है उसके बारे में हम ऊपर लिखेंगे। तो हमको क्या पूछा है कि 6 सिलेक्ट करो, तो 6 तो सिर्फ एक ही नंबर हुआ, तो ऊपर क्या आएगा 1, उसमें से टोटल ऑब्जर्वेशन, तो टोटल कितने हो गए 10, तो 1 डिवाइडेड बाय 10। तो फर्स्ट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो क्या आई, 1 डिवाइडेड बाय 10। सेकंड, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, सेकंड में गेटिंग नंबर लेस देन 6, तो हमको जो पोजीशन जो पूछी है वो लिखेंगे। पोजीशन क्या है, लेस देन 6, तो लेस देन 6 में क्या है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पांचों पांच किसमें आएंगे, लेस देन 6। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 5, तो पोजीशन जो हमको पूछा है वो हम ऊपर लिखेंगे 5 अपॉन टोटल 10, तो 5 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या आ जाएगा आंसर 1 बाय 2, तो क्या आ जाएगा आंसर 1 बाय 2। अगेन थर्ड नंबर, थर्ड में क्या पूछा है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन 6 कौन कौन से है, 7, 8, 9, 10, तो ये कितने हो गए टोटल 4, 7, 8, 9, 10, 4, तो ऊपर 4 और नीचे टोटल 10, तो 4 मीन्स 2 क्रॉस 2 और नीचे 2 क्रॉस 5, तो 2 से 2 कटेगा, तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 3 हो गया थर्ड नंबर। वैसे ही फोर्थ में क्या पूछा है, गेटिंग अ वन डिजिट नंबर, वन डिजिट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी वन डिजिट में ही आएंगे ना, तो 9 तक तो वन डिजिट है लेकिन 10 अलग हो जाएगा, तो ये टोटल पोजीशन वाले ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 9, तो ऊपर क्या आएगा 9 और नीचे टोटल ऑब्जर्वेशन मीन्स 10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील जिसमें क्या है 3 ग्रीन सेक्टर 1 ब्लू सेक्टर 1 रेड सेक्टर, क्या है 3 ग्रीन 1 ब्लू 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द गेटिंग ग्रीन नंबर, या तो सॉरी ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ नॉन ब्लू। अब हम लिखेंगे नहीं, हम अब हम डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि हमको क्या लाना है, ग्रीन सेक्टर की पॉसिबिलिटी लानी है। तो ग्रीन सेक्टर, तो जो हमको लाना है उनके ऑब्जर्वेशन कितने है, 3 है, देखो ग्रीन कितने है 3 और टोटल कितने हो गए 3 ग्रीन 1 ब्लू 1 रेड, टोटल कितने हो गए 5, तो हमारी टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो गई 3 बाय 5। ये 3 बाय 5 किसकी प्रोबेबिलिटी है, तो ग्रीन सेक्टर आने की, ये किसकी है प्रोबेबिलिटी, ग्रीन सेक्टर आने की। ओके, फिर पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू एटले ब्लू नहीं है वो, ऐसा तो ब्लू नहीं हो कैसे, तो ब्लू नहीं है ऐसे तो ग्रीन भी है, ग्रीन भी है और
दूसरा रेड भी है, ग्रीन है और रेड भी है। तो ग्रीन कितने हैं देखो, ग्रीन कितने हैं तीन, तो ग्रीन तीन। रेड कितने हैं देखो, रेड वन, तो रेड वन। तो टोटल नॉन ब्लू नहीं है, ऐसा ऑब्जर्वेशन कितने हो गए हमारे, थ्री प्लस वन मीन्स कितने हो गए, फोर। जो नॉन ब्लू नहीं है वैसे सेक्टर कैसे हो गए, ग्रीन तीन रेड वन, तो टोटल नॉन ब्लू हो ऐसे कितने हो गए, फोर। टोटल कितने हो गए, फोर। तो नॉन ब्लू सेक्टर कितने हो गए, फोर। लेकिन हमको तो चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो नॉन ब्लू है फोर और टोटल कितना है, फाइव। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फोर डिवाइडेड बाय फाइव। वैसे क्या पूछा है लास्ट क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ क्वेश्चन टू। तो क्वेश्चन टू की हमने कल बात की थी, प्राइम नंबर टोटल डाइस में होते हैं वन टू सिक्स, एक दो तीन चार पांच छह, और प्राइम नंबर तो वन टू टू थ्री फाइव, तो टू थ्री फाइव मीन्स थ्री नंबर और नीचे सिक्स, तो थ्री बाय सिक्स। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आएगी वन बाय टू, तो नॉन प्राइम की भी आएगी वन बाय टू। नंबर ऑफ ग्रेटर देन फाइव, तो ग्रेटर देन फाइव तो एक ही नंबर है सिक्स, तो सिक्स मीन्स एक ही नंबर हुआ और नीचे टोटल, तो वन डिवाइडेड बाय सिक्स। वैसे नॉट ग्रेटर देन फाइव, तो पांच से ज्यादा नहीं हो ऐसा, तो वो भी आप ला सकते हो। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन सिक्स भी सॉल्व कर सकते हो।